ऑलमोस्ट 7-8 साल से जिम करने के बाद मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर कोई किसी ने पूछा है, वो क्वेश्चन है कि मेरा मसल मास ग्रो क्यों नहीं हो रहा, या फिर आप बोल सकते मेरा फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा, या फिर मेरा वेट गेन क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स है जिसके कारण आपका ये ग्रो नहीं हो रहा है। तो आज उसी पॉइंट पे बात करते हैं और चालू करते हैं आज का वीडियो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहले तो एक्सपेक्टेशन कम करो। अब एक्सपेक्टेशन कम का मतलब क्या है? आप जिम में आके बोलोगे एक महीने में पेट कम कर दूंगी, एक महीने में आपका एब्स निकल जाएगा, एक महीने में बॉडी टोन्ड हो जाएगा, भाई नहीं होने वाला है। तो पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन ठीक करो कि रखो कि मैं कोई ऐसा फिजिक, एक नॉर्मल जो पॉसिबल है, आप ऋतिक रोशन वाला फिजिक को इमेजिन मत करो, एक नॉर्मल सा फिजिक, ऐसा फैट लॉस करना ये वो करना है मेरे को 6-7 महीने में करना है। तो आपको एक ड्यूरेशन मिलेगा और वर्कआउट करने का एक मोटिवेशन मिलेगा। जब हर दिन आपको बॉडी के थोड़ा सा चेंज होगा ना, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। आपका जो भी कोच है वो कोई जादूगर नहीं है कि आपका कोई छरी घुमाएगा और एक महीने में फैट खत्म, गायब हो जाएगा। भाई आपका जो फैट है वो एक दिन में नहीं आया, आपको 10-12 साल लगे वो फैट को एक्युमुलेट होने में, जाने में कम से कम 6-7 महीने, 1 साल दो अपने को, फिर देखो बॉडी चेंज हो जाएगा ना। फिर अपना जो डाइट है, जो भी वो बोल रहा है आपको करने के लिए, आप चुपचाप से करो। और सबसे बड़ी बात, एक कोई भी कोच हायर करो, क्योंकि आप जब जिम में जाते हो आपको कुछ नहीं पता होता, खुद से दिमाग मत लगाओ। क्योंकि मैं वो कर चुका हूँ और मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि मेरा बैक में इशू हुआ है, सब हुआ है। तो पहले कोच हायर करो जो जिसको पता है थोड़ा बहुत कि हाँ वो ऐसा ऐसा आपको लाइन दिखा सकता है। तो ये दो चीज़ आपको करना चाहिए कि पहले तो एक्सपेक्टेशन नॉर्मल रखो, उसके बाद एक कोई भी एक छोटा सा कोच, अगर कोच हायर नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं, आपके यूट्यूब चैनल बहुत सारे वीडियोस है, आप देखो सीखो कि हाँ ये वर्कआउट को ऐसे करना चाहिए, ये वर्कआउट को ऐसे करना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है मैं लेडीज के लिए बता रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो को लेडीज देख रहे हो, 90% लड़कियाँ जब जिम में जाते हैं उनको फैट लॉस करना होता है या फिर वेट लॉस करना होता है, अकॉर्डिंग टू देम वेट लॉस। तो आप फैट लॉस के बारे में सोचो, वेट लॉस के बारे में नहीं। अभी फैट लॉस मतलब इसमें मसल गेन भी आता है। अब सिर्फ कार्डियो करके आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो। हाँ वेट लॉस हो जाएगा, मैं मानता हूँ वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बहुत गंदा है, जैसे मसल लॉस या फिर स्किन लूज जो बोलते हैं। तो उसके साथ आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। अपना बॉडी है ना बहुत ऐसा हराम इंसान है, मैं गाली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो अपना जो बॉडी है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, आपको सिक्स पैक चाहिए, आपको बेस चाहिए, कुछ नहीं पड़ा। उसको बस पता है कि एक चीज़, भाई इसको ज़िंदा रखना है, उसको बस एक मैकेनिज्म पता है, उसको ज़िंदा रखना है। तो आप जब ऐसा खतरनाक वाला डाइट पे चले जाते हो, नो कैलोरी डाइट, कीटो डाइट, ये सब डाइट में जब चले जाते हो, आपका बॉडी कुछ एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो ऐसा करता है कि भाई मेरे को खाना नहीं मिलने वाला है, क्योंकि खाना आप दे नहीं रहे उसको, अचानक से एक दिन खाना दोगे। तो जब उसको खाना मिलेगा नेक्स्ट मील में, मतलब आप पकड़ लो पूरा दिन कुछ नहीं खाए, सीधा 2 बजे जाके कुछ खा रहे हो, हल्का सा कुछ खा रहे हो, तब अपना बॉडी क्या करेगा, भाई उसको एनर्जी में कन्वर्ट मत करो, क्यों, मुझे वापस से खाना नहीं मिलेगा, वो जो फैट है वो स्टोर करके रखना है फ्यूचर के लिए। तो जब भी खाना मिलेगा वो स्टोर करते रहेगा, तो आपका फैट लॉस कभी नहीं होगा, क्योंकि वेट लॉस जितना आप कैलोरी डिफिशिट में जाओगे, एक मील में ना पूरा डिफिशिट खाना एक साथ आ जाएगा। ये था नॉर्मल बातें, अब आता हूँ टेक्निकल बातों पर। तो जब जिम में जाते हो ना, जो सीरीज से जिम कर रहे हैं, 6 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए जिम करते हुए, उनका एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग फेलियर पे नहीं जाते हो, सब अपने पीआर करते रहते हैं, भाई पर्सनल रिकॉर्ड, आज डेडलिफ्ट मारा 100 किलो 150 किलो। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि फेलियर सेट, हर एक सेट को ऐसे मानना है कि यही मेरा लास्ट सेट है। जब तक आप ऐसा वर्कआउट नहीं करोगे ना, आपका बॉडी कभी ग्रो नहीं करेगा, वो डेडलिफ्ट हो, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, आपको पावर लिफ्टिंग करना हो, या फिर आपको बॉडी बनाना हो, आपको फेलियर तक जाना ही जाना है, तब जाके आपका बॉडी बनेगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं डाइट के बारे में नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको डाइट के बारे में पता है, भाई बॉडी बिल्डिंग को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखो, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे वो उतना कॉम्प्लिकेटेड है। 2 दिन नहीं हुए जिम जाके, आपको वेइंग मशीन चाहिए, नाप नाप के खाना है 2 ग्राम 3 ग्राम, क्यों भाई, आपके बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, दबा के खाओ और पेल के वर्कआउट करो, जो होगा बाद में देखा जाएगा, 1 साल एटलीस्ट बॉडी को दो, मतलब भूल जाओ कि आपको नाप नाप के खाना है 100 ग्राम 150 ग्राम, इसमें इतना कैलोरी है, भूल जाओ, 1 साल खुद को दो, वर्कआउट सीखो, डाइट क्या होता है, खाने कैसे खाना चाहिए वो भी एक स्किल है,
खाना कैसे खाना चाहिए वो भी एक स्किल है। टाइम टू टाइम खाओ, उसके बाद जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस में जाओ कि ये ऐसे करके ऐसे घुमा के ऐसे करना है, भाई नहीं करना है भाई, अभी दबा के खाओ, बस क्लीन खाओ, फास्ट फूड छोड़ दो, आपका आधा काम तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, आप फास्ट फूड छोड़ दोगे। मैं ये नहीं, फास्ट फूड खराब है ये नहीं बता रहा हूँ, आप घर पे बना के खाओ फिर भी ठीक, बाहर का तेल बहुत खराब होता है उसको इग्नोर मारो। लोग बोलते हैं चीनी बंद करो, चीनी बंद मत करो, चीनी कम करो, ऐसी जो जो स्टफ आपको भी पता है वो कौन सा खराब है उसको कम करो, बंद करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो है ओवर डिपेंडेंसी ऑन सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट को सप्लीमेंट की तरह ही देखो, ये कोई ऐसा फूड रिप्लेसमेंट नहीं है कि इसके जगह पे वो खा लूंगा, नहीं, खाने के साथ आपको ये लेना है तब जाकर आपका बॉडी बनेगी, नहीं तो आपका बॉडी नहीं बनेगी। तो वीडियो खत्म करने से पहले कुछ लाइंस मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनना। ट्रेनिंग को एंजॉय करो, टॉर्चर मत बनाओ। खाना को एंजॉय करो, नाप के मत खाओ। एक ही जिंदगी है, दबा के जियो, पेल के वर्कआउट करो और जितना हो सके ना वो वर्कआउट को एंजॉय करो। बस इतने आज की वीडियो, ये सिंपल सा कुछ चीज़ है जो बहुत कॉमन है और आप लोग उसको फॉलो नहीं करते हो, तो अगर ये फॉलो करोगे होपफुली आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा होगा और आपका बॉडी भी अच्छा रिएक्ट करेगा। तो अनटिल देन मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मस्त खाओ, फिट रहो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।